सीआरपीएफ की तरफ से बहुत ही अच्छी संख्या में वैकेंसी आई है, जिसकी डेट स्टार्टिंग हो चुकी है जो 4 तारीख से। फ्रेंड्स अगर आप नए हो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। फ्रेंड्स इसमें जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कॉन्स्टेबल के लिए वैकेंसी आई है। इसमें जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जो है 58 वैकेंसी यूआर के लिए और 14 वैकेंसी ईवीएस के लिए, और ओबीसी के लिए 39 और एसटी के लिए 51 और एसटी के लिए 11 है। इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की टोटल वैकेंसी 143 है और सब हेड कॉन्स्टेबल के लिए जो है यूआर के लिए 532 और ईवीएस के लिए 132 और ओबीसी के लिए 355 है और एसटी के लिए 99 और एससी के लिए 197 है। टोटल वैकेंसी हेड कॉन्स्टेबल की 1315 है और इसमें जो है पे स्केल जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 5 है, जिसमें 29,000 से 90,000 है और हेड कॉन्स्टेबल के लिए पे स्केल 4th है, जिसमें 25,000 से 80,000 है। इसमें एज लिमिट जो है 18 से 25 वर्ष है, जिनका जन्म 26 जनवरी 1998 से 25 जनवरी 2005 के बीच हुआ है वह अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसमें क्वालिफिकेशन जो है 10+2 मांगा गया है और इसकी स्टार्टिंग डेट हो चुकी है जो 4 तारीख से, और इसकी लास्ट डेट जो है 25 जनवरी है और इसका एडमिट कार्ड 15 तारीख को आ जाएगा। और इसमें एज रिलैक्सेशन जो है एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एक्स सर्विसमैन जो 3 वर्ष। और इसकी फीस जो है एप्लीकेशन 100 रुपये लगेगी, जनरल ईवीएस एंड ओबीसी ओनली। और इसका जो कंप्यूटर बेस होगा टेस्ट एग्जाम जो होगा, और इसमें 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसे आप 90 मिनट में आपको करना होगा। और इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा, जिसमें एग्जाम में जो है हिंदी लैंग्वेज पूछा जाएगा या फिर इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्शनल होगा। सेक्शन बी में जो है जनरल एप्टीट्यूड आएगा जो 25 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा जिसे आप 90 मिनट में आपको करना है 100 नंबर का। और सेक्शन सी में जनरल इंटेलिजेंसी, ये भी 25 नंबर का ही होगा, 25 क्वेश्चन होंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में भी यही होगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।